assalamu alaikum dear students i hope you all are doing well this is your computer class and today we'll continue our chapter number 8 and our topic will be selection statements in qbasic this is the part 3 of the video so students let's begin selection statements in qbasic these are statements in programming language that determines how the program is being executed or they determine the flow of program These statements let a set of commands to be executed only when certain conditions have been satisfied. तो अगर हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें हमें बहुत बार ऐसे प्रोग्राम्स लिखने पड़ते हैं जहाँ पे डिसीजन मेकिंग होती है जहाँ पे हमें डिसीजन लेना पड़ता है तो उस परपस के लिए क्यू बेसिक में भी बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह ही सिलेक्शन स्टेटमेंट्स होती है या जिन्हें हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहते हैं तो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स ऐसी स्टेटमेंट्स होती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो डिसाइड करते हैं कि प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा या प्रोग्राम का फ्लो क्या रहेगा वो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स ही डिसाइड करते हैं कंट्रोल करते हैं क्योंकि यहाँ पे कंडीशन बेस्ड वर्क होता है यहाँ पे कंडीशन पे काम होता है तो जब आपकी कंडीशन यहाँ पे ट्रू होती है यानी कि आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो तब जाके उस कंडीशन का जो भी रेस्पेक्टिव कोड होगा या जो भी स्टेटमेंट्स होगी जो भी कमांड्स होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो कोड या जो भी कमांड्स है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी ना वी आर हैविंग टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट्स तो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स के भी टाइप्स है डिफरेंट टाइप्स है तो सबसे पहला है इफ देन स्टेटमेंट देन वी आर हैविंग इफ देन एल्स स्टेटमेंट और उसके बाद है इफ देन एल्स इफ स्टेटमेंट एंड एट लास्ट वी आर हैविंग द सिलेक्ट के स्टेटमेंट द फर्स्ट सिलेक्शन स्टेटमेंट इज इफ देन स्टेटमेंट दिस स्टेटमेंट इज यूज टू टेस्ट फॉर अ सिंगल कंडीशन If the given condition is satisfied, then the statement or the block of statements following if is executed. Otherwise, commands are skipped and the next statement in the program is executed. तो if then statement का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? जहाँ पे हमारे पास single condition होती है, जहाँ पे हमें single condition को test करना होता है, वहाँ पे if then statement का use होता है। और अगर प्रोग्राम में हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई दैट मींस हमारी कंडीशन ट्रू हो गई तो जो भी इफ के बाद स्टेटमेंट्स होंगी या जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी वहाँ पे वो एग्जीक्यूट हो जाएगी लेकिन अगर वो कंडीशन फॉल्स निकले तो उसके बाद वो सारी स्टेटमेंट्स स्किप हो जाएगी और प्रोग्राम की बाकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो इसका सिंटेक्स क्या है यानी कि हम इसे प्रोग्राम में कैसे यूज़ करते हैं सबसे पहले हम इफ़ लिखते हैं उसके बाद कंडीशन उसके बाद देन और उसके बाद हम स्टेटमेंट ब्लॉक लिखते हैं और फिर लास्ट पे हम एंड इफ से इसको एंड करते हैं तो चले स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको इफ़ देन स्टेटमेंट और भी अच्छे से समझ आएगा रैम प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर एंड प्रिंट इट स्क्र इफ़ इट इज़ लेस दैन टेन तो यहाँ पे हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम नंबर को इनपुट करेंगे और वहाँ पे कंडीशन चेक होगी अगर वो नंबर टेन से कम हुआ तो हमें उसका स्क्वायर प्रिंट करना है तो सबसे पहले हम इनपुट लिखेंगे और इन्वर्टेड कोट्स में एंटर अ नंबर इन्वर्टेड कोट्स क्लोज़ किए और उसके बाद सेमिकॉलन और क्योंकि हमें एक नंबर एंटर करना है तो उसके लिए हम वेरिएबल यूज़ करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे इसने वेरिएबल यूज़ किया है एन यू एम तो दैट मींस यूज़र जो भी नंबर एंटर करेगा वो इस वेरिएबल में यानी कि नाम में स्टोर हो जाएगा तो उसके बाद हम इफ़ देन का यहाँ यूज़ करेंगे तो पहले इफ़ उसके बाद कंडीशन कंडीशन क्या है यहाँ पे अगर नंबर लेस देन टेन हुआ सिंगल कंडीशन है हमारे पास तो यहाँ पे हमने लिखा इफ नाम इज लेस देन टेन और उसके बाद देन और उसके बाद हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे यानी कि अगर ये कंडीशन सेटिसफाई हो गई ये कंडीशन ट्रू हो गई हमें क्या करना है फिर हमें उस नंबर का स्क्वायर निकालना है जो यूज़र ने एंटर किया होगा तो उसके बाद हमें प्रिंट करना है उस नंबर का स्क्वायर तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट और उसके बाद हमें क्या करना है स्क्वायर निकालना है तो नंबर जो यूज़र ने एंटर किया वो है नम एन यू एम तो हम करेंगे एन यू एम इंटू एन यू एम और उसके बाद हम यहाँ पे एंड इफ करेंगे दैट मीन्स इफ देन स्टेटमेंट यहाँ पे एंड हो रही है हम यहाँ पे एंड इफ लिखेंगे और फिर लास्ट पे एंड जिससे हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा तो जब भी हम ये प्रोग्राम रन करेंगे तो यहाँ पे यूज़र नंबर एंटर करेगा अगर वो नंबर टेन से कम हुआ टेन से लेस हुआ वो नंबर तो यहाँ पे क्या होगा तो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और उस नंबर का स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा बट अगर कंडीशन फॉल्स हो गई दैट मीन्स अगर यूज़र ने नंबर टेन या टेन से ग्रेटर देन दिया तब कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगी और यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेम प्रोग्राम का फ्लो चार्ट है सबसे पहले यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट हो गया और उसके बाद इनपुट नाम तो यहाँ पे यूज़र नंबर एंटर करेगा और उसके बाद कंडीशन चेक होगी नाम इज़ लेस देन टेन नंबर लेस देन टेन भी हो सकता है या टेन या टेन से ग्रेटर देन भी हो सकता है अगर नंबर लेस देन टेन है तो येस yes होगा तो नीचे जाएगा कंडीशन सेटिस्फाई होगी और प्रिंट करेगा नाम टू नाम तो यहाँ पे ये नंबर का स्क्वायर प्रिंट करेगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा बट अगर कंडीशन फॉल्स होगी दैट मीन्स अगर नंबर टेन या टेन से ग्रेटर देन निकला तो तब यहाँ पे नो no में जाएगा और यहाँ पे प्रोग्राम एंड होगा स्टॉप होगा now we are having if then else statement this statement is used when there are two or more set of actions to be taken based on a condition when the condition is true the first statement or block of statements is executed and if false the second statement or block of statements is executed तो इफ़ देन एल स्टेटमेंट का यूज़ कहाँ पे होता है जहाँ पे हमें दो या दो से ज़्यादा एक्शंस लेने पड़ते हैं किसी कंडीशन पे तो यहाँ पे कैसे काम होता है जब कंडीशन ट्रू होगी तो उसके बाद जो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट या जो भी फर्स्ट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हमारे पास होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे बट अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो गई तो उस टाइम सेकेंड स्टेटमेंट या सेकेंड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो दैट मीन्स यहाँ पे कंडीशन ट्रू होने के टाइम भी यहाँ पे कमांड्स या स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी और यहाँ पे प्रोग्राम के फॉल्स होने पे भी यहाँ पे कमांड्स या स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी यानी कि यहाँ पे फॉल्स में भी एक्शंस परफॉर्म होंगे जो कि इफ देन स्टेटमेंट में नहीं होता है तो अब इसका सेंटेक्स क्या है हम प्रोग्राम में उसे कैसे लिखते हैं सबसे पहले आता है एफ़ और उसके बाद कंडीशन उसके बाद देन और उसके बाद स्टेटमेंट ब्लॉक फर्स्ट और एल्स उसके बाद स्टेटमेंट ब्लॉक सेकंड और उसके बाद एंड एफ तो चले स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम इसकी भी एग्जांपल देखते हैं रेम प्रोग्राम टू चेक इफ़ अ स्टूडेंट हैज़ पास्ट और फेल्ड तो प्रोग्राम क्या है यहाँ पे कि हमें देखना है कि स्टूडेंट पास हुआ है एग्ज़ाम में या फेल हुआ है तो यहाँ पे इस प्रोग्राम में यूज़र नेम और अपने मार्क्स एंटर करेगा और फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि बच्चा पास है एग्ज़ाम में या फेल है और अगर स्टूडेंट पास होगा एग्ज़ाम में तो मैसेज आएगी पास्ट और अगर फेल हुआ तो यहाँ पे फेल्ड आ जाएगा तो सबसे पहले इनपुट इन्वर्टेड कोट्स में लिखेंगे एंटर द नेम इन्वर्टेड कोड्स क्लोज करेंगे सेमिकॉलन और फिर एक वेरिएबल लेंगे नेम तो जो भी यूज़र नेम एंटर करेगा वो इस नेम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और आप यहाँ पे देखेंगे नेम के साथ डॉलर साइन का यूज़ किया है क्योंकि नेम स्ट्रिंग आता है अल्फाबेट्स का आता है तो यहाँ पे स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए हम डॉलर साइन का यूज करते हैं उसके बाद इनपुट लिखा है फिर इन्वर्टेड कोट्स में एंटर द मार्क्स इन्वर्टेड कोट्स क्लोज सेमिकोलन एम तो उसके बाद यहाँ पे हम मार्क्स लेंगे यूजर से जो एम वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक होगी इफ उसके बाद कंडीशन एम क्योंकि एम में मार्क्स है इफ एम इज ग्रेटर और इक्वल टू फोर्टी दैट मीन जो यूजर ने मार्क्स एंटर किए अगर वो फोर्टी या फोर्टी से ज्यादा हुए इन्वर्टेड तो कोड्स में पासड तो दैट मीन्स अगर मार्क्स फोर्टी या फोर्टी से ज्यादा होंगे तो मैसेज प्रिंट होगी पास अगर मार्क्स फोर्टी से कम हुए तो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी प्रिंट फेल्ड तो यहाँ पे मैसेज आएगा फेल्ड और उसके बाद एंड इफ और लास्ट पे एंड तो उसके बाद आप यहाँ पे फ्लो चार्ट भी देख सकते हैं इसका सबसे पहले स्टार्ट उसके बाद इनपुट नेम मार्क्स तो यूज़र नेम और मार्क्स इनपुट करेगा और उसके बाद कंडीशन चेक होगी अगर कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ पे दैट मीन्स यस वाई मीन्स यस तो अगर कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ पे प्रिंट होगा पास्ट यहाँ पे पास्ट प्रिंट होगा और फिर प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा बट अगर कंडीशन फॉल्स हो गई यानी कि कंडीशन नो होगी तो यहाँ पे आएगा फेल्ड प्रिंट क्या होगा फेल्ड और प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा नाउ वी आर हैविंग इफ देन एल्स इफ स्टेटमेंट दिस स्टेटमेंट कैन बी यूज वेन देयर इज मोर देन वन कंडीशन टू टेस्ट दिस स्टेटमेंट टेस्ट इज द फर्स्ट कंडीशन इफ द कंडीशन इज ट्रू देन इट्स रेस्पेक्ट टू कोड विल बी एग्जीक्यूटेड इफ नॉट ट्रू देन इट विल चेक द सेकेंड कंडीशन If it is correct, then it will execute its respective code. If the second condition is not also true, then the else code will be executed. तो if then else if का इस्तेमाल कहाँ पे होता है जहाँ पे हमारे प्रोग्राम में हमें एक से ज़्यादा कंडीशंस टेस्ट करनी होगी एक से ज्यादा कंडीशन चेक करनी होगी वहाँ पे हम if then else if का यूज करते हैं तो ये कैसे वर्क करता है सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन चेक होती है अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो जो भी उसकी स्टेटमेंट्स है या जो भी उसका रेस्पेक्टिव कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा बट अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन चेक की जाती है तो उस कंडीशन को देखा जाता है अगर वो ट्रू हुई तो उसका रेस्पेक्टिव कोड उसके ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं बट अगर वो भी फॉल्स होगी तो उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन चेक की जाती है इस तरह से यहाँ पे वर्क होता है और लास्ट पे अगर जितनी भी कंडीशंस हमने दी है वो सारी फॉल्स होगी तो लास्ट पे इसका एल्स पार्ट आता है दैट मीन्स अगर ऊपर वाली सारी कंडीशन फॉल्स है तो एल्स पार्ट उसके बाद एग्जीक्यूट होता है और उसकी वहां पे एग्जीक्यूट हो जाती है तो दैट मीनस जहां पे हमें एक से ज्यादा कंडीशंस होंगी तो उस टाइम हम इफ देन एल का यूज करते हैं और इफ़ देन एल सिफ़ का ये सेंटेक्स है इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में जहाँ पे हमें मोर देन वन कंडीशन होगी एक से ज़्यादा कंडीशन होगी तो जैसे यहाँ पे दिया है सबसे पहले हम इफ़ उसके बाद कंडीशन फर्स्ट फिर देन उसके बाद इसका स्टेटमेंट ब्लॉक और उसके बाद एल उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन उसके बाद देन इसका स्टेटमेंट ब्लॉक तो इस तरीके से हम यहाँ पे कंडीशंस देते हैं और लास्ट पे हम यहाँ पे एल्स देते हैं और उसका स्टेटमेंट ब्लॉक होता है और फिर लास्ट पे हम एंड इफ लिखते हैं तो स्टूडेंट चले हम एल की भी एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे रैम प्रोग्राम टू डिस्प्ले अ नंबर इन वर्ड्स तो प्रोग्राम हमारा है क्या यहाँ पर हम यहाँ से नंबर एंटर करेंगे यूज़र नंबर एंटर करेगा और वहाँ से वो नंबर वर्ड्स में डिस्प्ले होगा तो सबसे पहले यहाँ पे इनपुट स्टेटमेंट है एंटर अ नंबर इन द रेंज वन टू फोर इन्वर्टेड कोड्स में है और सेमिकॉलन उसके बाद नम दैट मींस यहाँ पे मैसेज आएगा एंटर अ नंबर इन द रेंज वन टू फोर और यूजर उसके बाद नंबर एंटर करेगा जो कि नम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक होगी इफ़ नाम इक्वल टू वन देन प्रिंट वन ओ एनी वन तो उसके बाद यहाँ पे जब कंडीशन चेक होगी कि यूज़र ने जब नंबर एंटर किया अगर वो वन के बराबर होगा तो मैसेज के डिस्प्ले होगी ओ एन ई वन उसके बाद अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो चेक होगी नेक्स्ट स्टेटमेंट एल्स इफ़ नम इक्वल टू टू अगर नम टू के बराबर हुआ देन प्रिंट टू तो उस टाइम टी डब्ल्यू ओ टू प्रिंट होगा इसी तरह से अगर ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई तो नेक्स्ट कंडीशन पे जाएगा एल्स इफ़ नाम इक्वल टू थ्री देन प्रिंट थ्री तो अगर ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई नंबर थ्री के बराबर हुआ तो यहाँ पे थ्री प्रिंट होगा बट अगर ये कंडीशन भी यहाँ पे फॉल्स हुई तो यहाँ पे एल्स पार्ट में जाएगा और प्रिंट करेगा एफ ओ यू आर फोर और उसके बाद एंड इफ़ होगा और लास्ट पे एंड तो चलिए स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम कुछ प्रोग्राम्स प्रैक्टिकली करते हैं ताकि आपको और क्लियरली समझ आए सबसे पहले हम यहाँ पे इफ़ देन स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे तो सी एल एस सबसे पहले मैंने टाइप किया उसके बाद नेक्स्ट लाइन में इनपुट इन्वर्टेड कॉमास में मैं यहाँ पे मैसेज एंटर करूँगी एंटर योर एज इन्वर्टेड कॉमास क्लोज और उसके बाद सेमी कॉलन ए इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन ट्वेंटी देन इन्वर्टेड कोर्ट स्टार्ट आई एम मोर दैन 20 ईयर्स ओल्ड तो यहाँ पे मैं ये लिखती हूँ ये मैसेज आई एम मोर देन ट्वेंटी ईयर्स ओल्ड इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज और इफ़ को एंड करते हैं यहाँ पे एंड इफ़ टाइप करके और उसके बाद लास्ट पे एंड तो अब इस प्रोग्राम में क्या होगा सबसे पहले हमें मैसेज डिस्प्ले होगा एंटर योर एज तो यूज़र यहाँ पे एज एंटर करेगा जो कि ए वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक होगी इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन ट्वेंटी दैट मीन जो एज यूज़र ने एंटर की है जो वेरिएबल ए में स्टोर हुई है अगर वो ट्वेंटी से ज़्यादा है देन तो तब क्या होना चाहिए प्रिंट आई एम मोर देन ट्वेंटी ईयर्स ओल्ड तब मैसेज आएगा मैसेज डिस्प्ले होगा आई एम मोर देन ट्वेंटी ईयर्स ओल्ड तो अब हम प्रोग्राम को रन करने के लिए F5 की का यूज़ करेंगे या आप रन में भी जाके अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हो तो अब मुझे यहाँ पे मैसेज आ गई एंटर यूर एज क्योंकि मैंने इनपुट दिया था एंटर यूर एज तो यहाँ पे मुझे मैसेज आ गई एंटर यूर एज तो मैं यहाँ पे एज करूँगी एंटर थर्टी तो यहाँ पे मैंने थर्टी एंटर किया तो मैं एंटर करूँगी और मुझे मैसेज आ गया आई एम मोर देन ट्वेंटी ईयर्स ओल्ड तो अब मैं यहाँ पे फिर से प्रोग्राम को रन करूँगी मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो उसके बाद मुझे यहाँ पे मैसेज आई एंटर योर एज तो इस बार मैं अब एज दूँगी लेस देन ट्वेंटी तो ट्वेंटी से कम मैंने एज यहाँ पे दी मैंने टेन दिया तो मैं एंटर प्रेस करूंगी तो आप देखेंगे यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो जाएगा क्योंकि एल्स पार्ट यहाँ पे था ही नहीं इफ देन एल्स स्टेटमेंट पे प्रोग्राम करेंगे तो ये प्रोग्राम मैं यहाँ पे डिलीट करती हूँ तो ये देखिए आप यहाँ तक ठीक है अब यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन एटीन तो अगर मेरे पास जब एज एंटर होगी वो ग्रेटर देन एटीन है तो देन प्रिंट इन्वर्टेड कॉमास में यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग ठीक है यहाँ पर करेक्ट करते हैं फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज उसके बाद एल्स प्रिंट इन्वर्टेड कोड स्टार्ट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग इसको करेक्ट करते हैं वोटिंग फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज और उसके बाद एंड इफ और लास्ट पे एंड तो अब हम यहाँ पे प्रोग्राम को रन करते हैं स्टार्ट पे क्लिक करती हूँ या मैं एफ़ फाइव की प्रेस करूँगी प्रोग्राम को रन करने के लिए तो ये आप देखिए यहाँ पे मेरे पास आउटपुट विंडो आ गया तो यहाँ पे मैंने सी एल एस पहले ही यूज़ किया था ताकि जो भी पिछला आउटपुट है वो क्लियर हो जाए तो कोई भी पिछला रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुआ तो अब मैसेज आ गया एंटर योर एज तो अब हम यहाँ पे एज एंटर करेंगे तो ये आप देखिए मैं यहाँ पे एंटर करती हूँ थर्टी नाइन तो पहली कंडीशन है अगर ए ग्रेटर देन है एटीन यानी कि थर्टी नाइन ए वेरिएबल में स्टोर हो गया तो थर्टी नाइन ग्रेटर है एटीन से तो मुझे मैसेज क्या डिस्प्ले होगी यहाँ पे यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग मैं यहाँ पे एंटर करूँगी ये आ गया यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग अब मैं फिर से प्रोग्राम को रन करूँगी और यहाँ पे मैं एज एंटर करूँगी टेन तो यहाँ पे आ गया यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग क्योंकि जो मेरी एज यहाँ पे मैंने एंटर की टेन वो लेस देन एटीन था तो यहाँ पे इफ पार्ट एक्जीक्यूट नहीं होगा यहाँ पे एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा क्योंकि एज थी लेस देन एटीन और यहाँ पे मैसेज आया यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग तो अब हम इस प्रोग्राम में इफ देन दैन स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे मैंने रैम uh, कमांड का यूज़ किया है रिमार्क के लिए रैम प्रोग्राम टू चेक वेदर गिवन नंबर इज़ नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो तो इस प्रोग्राम में चेक होगा जो यूज़र नंबर एंटर करेगा वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा या जीरो होगा तो दैट मीन्स यहाँ पर एक से ज़्यादा कंडीशन आएंगी सबसे पहले मैंने सी एल एस टाइप किया ताकि आउटपुट स्क्रीन क्लियर हो उसके बाद इनपुट एंटर एनी नंबर तो इन्वर्टेड कॉमास क्लोज सेमिकॉलन और उसके बाद एन उसके बाद यहाँ पे कंडीशन इफ़ एन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो देन तो अगर एन ग्रेटर देन जीरो होगा फिर क्या होना चाहिए प्रिंट इन्वर्टेड कॉमास में यू हैव एंटर्ड पॉजिटिव नंबर तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास क्लोज और उसके बाद एल्स इफ़ यहाँ पे दूसरी कंडीशन एल्स एन इज़ लेस दैन ज़ीरो दैन अगर नंबर लेस दैन ज़ीरो होगा दैन प्रिंट इन्वर्टेड कॉमास में यू हैव एंटर्ड नेगेटिव नंबर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज यहाँ पर मैं करेक्ट करती हूँ इनवर्ट कॉमास क्लोज उसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पर एल्स प्रिंट तो so, यहाँ पे हम मैसेज टाइप करेंगे यू हैव एंटर्ड इसको पहले करेक्ट करते हैं यू हैव एंटर्ड ज़ीरो इन्वर्टेड कॉमास क्लोज फिर इफ उसके बाद एंड तो यहाँ पे मैं पहले एल सिफ को साथ साथ लिखती हूँ यहाँ पे आप देखिए हाँ अब ठीक है तो अब मैं यहाँ पे प्रोग्राम को रन करूँगी या आप F5 की भी प्रेस कर सकते हैं तो ये मैंने क्लिक किया स्टार्ट पे तो यहाँ पे आ गया एंटर एनी नंबर तो मैंने इनपुट किया यहाँ पे थर्टी तो जब मैं यहाँ पे एंटर करूँगी मैसेज आया यू हैव एंटर पॉजिटिव नंबर तो अब मैं प्रोग्राम को फिर से रन करूंगी तो मैंने किया यहाँ पे रन तो मुझे आया एंटर एनी नंबर माइनस टेन मैंने एंटर किया तो मैं एंटर करूंगी मैसेज आया यू हैव एंटर नेगेटिव नंबर तो अब मैं फिर से रन करूंगी यहाँ पे तो यहाँ पे मैं फिर से नंबर दूंगी मैं ज़ीरो एंटर करूंगी तो मैं एंटर करूंगी मैसेज आया यू हैव एंटर ज़ीरो तो आप देखिए यहाँ पे प्रोग्राम ने कैसे वर्क किया जब मैंने ज़ीरो एंटर किया तो सबसे पहले यहाँ पे ये कंडीशन चेक करेगा इफ़ एन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो क्योंकि मैंने एन में ज़ीरो डाला तो ज़ीरो इज़ नॉट ग्रेटर देन ज़ीरो तो कंडीशन हो गई फॉल्स तो उसके बाद यहाँ एल्स इफ पे जाएगा ये दूसरी कंडीशन चेक करेगा इफ़ इफ एन इज़ लेस देन ज़ीरो तो यहाँ पर मैंने ज़ीरो इनपुट किया था तो एन में ज़ीरो है तो ज़ीरो इज़ नॉट लेस देन ज़ीरो तो यहाँ पर ये कंडीशन भी फॉल्स होगी और उसके बाद ये एल्स पे जाएगा वहाँ पर ये प्रिंट करेगा यू हैव एंटर ज़ीरो तो इस तरह से हम एल्स का यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशन होगी आई होप यू हैव अंडरस्टुड टूडे इज़ लेक्चर इट्स टाइम टू से गुड बाय अल्लाह हाफ